तो आज हम सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें उदाहरण नंबर 2.1 है। उदाहरण 2.1 है विद्युत क्षेत्र E बराबर है, विद्युत क्षेत्र E सदी से बराबर है किसके रे 200 i कैप प्लस 300 j कैप। 200 i कैप है प्लस 300 j कैप वोल्ट मीटर इनवर्स। उदाहरण नंबर 2.1 है विद्युत क्षेत्र E बराबर 200 i कैप प्लस 300 j कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश S सदिश बराबर है 5 × 10⁻³⁻¹⁰ j कैप। S सदिश बराबर है 5 × 10⁻³⁰ j कैप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन है E बराबर 200 i कैप प्लस 300 j कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश S बराबर 5 × 10⁻³⁰ j कैप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे रे? फाई बराबर क्या होता है? E सदिश डॉट S सदिश E सदिश और S सदिश का क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। तो मैं फाई बराबर क्या लिख दूंगा रे? 200 i कैप प्लस 300 j कैप डॉट होगा 5 × 10⁻³⁰ j कैप। यहां से क्या होगा रे? 200 × 10⁻³⁰ i कैप डॉट j कैप प्लस 300 × 5 × 10⁻³⁰ i कैप डॉट j कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? जब समान समान का डॉट होता है तो क्या आता है? एक आता है, और समान के साथ असमान आ जाता है तो क्या आता है? जीरो आता है। मतलब आई कैप के साथ आई कैप आएगा तो एक आएगा, जे कैप के साथ जे कैप आएगा तो एक आएगा, के कैप के साथ के कैप आएगा तो एक आएगा, लेकिन आई के साथ यदि जे आएगा तो जीरो आएगा, जे के साथ यदि के आएगा तो जीरो आएगा, के साथ यदि आई आएगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट। तो यहां से ये डॉट किसका है? ये डॉट है आई कैप और जे कैप का। तो ये तो क्या हो गया? जीरो प्लस ये कितना हुआ? 10⁻³ इंटू ये क्या है? जे कैप डॉट जे कैप। जे कैप डॉट जे कैप का मान कितना होता है? एक। तो यहां से कितना आएगा? 1.5 × 10³⁰⁰ × 10³�³⁰ तो यहां से 10³ + 3 है, 10³ - 3 है, कट जाएगा तो कितना आएगा? 1.5 वोल्ट × मीटर इसका मान आया विद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ था विद्युत क्षेत्र की सदिश और क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ था, पूछ क्या रहा था? फ्लक्स का मान पूछ रहा था। तो फ्लक्स का मान कितना आएगा? 1.5 वोल्ट × मीटर आएगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि उसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन, ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, इसमें एक बेलन इस प्रकार व्यवस्थित है कि उस बेलन की अक्ष है ना, वो इस विद्युत क्षेत्र की क्या है? अनुदिश है। मान लिया ये क्या है? एक
बेलन है। इस बेलन की जो अक्ष है वो किसके अनुदिश है? इस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। ये विद्युत क्षेत्र ई दिया हुआ है, ये हमने एक बेलन मान लिया। अब ये पूछ रहा है कि इस बेलन से जो पारित विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। इसको बताना है कि शून्य होगा या नहीं, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो बेलन का टोटल फ्लक्स है वो शून्य होना चाहिए। यहां से इस बेलन के अंदर कोई आवेश है? इस बेलन के अंदर तुम्हें कोई आवेश दिखाई दे रहा है? इस बेलन के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो यहां से हम सीधा भी कह सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो। या यहां पर ये जो इसका वर्ताकार भाग है, इस वर्ताकार भाग पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर तथा इस वर्ताकार भाग पर एक क्षेत्रफल सदिश मान लो, तथा इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी किधर है? इधर है। डीए सदिश की दिशा भी इधर है। यहां से मैं एक इस वक्राकार भाग पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर है। ई सदिश। और यहां पर जो क्षेत्रफल अल्पांश मानोगे उसकी दिशा किधर आएगी? इधर आएगी। दोनों के बीच कोण कितना होगा? 90 डिग्री। यहां से ये एक दूसरा वर्ताकार भाग है, इस वर्ताकार भाग पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर है। तथा यहां पर जो क्षेत्रफल अल्पांश माना, उस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा किधर है? क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो यहां से ई व ए के बीच बढ़ने वाला कोण कितना होगा रे? 180 डिग्री। तो मैं टोटल प्लस इसे एस वन मान दू, इसे एस टू और इसे एस थ्री, तो फाइव टोटल कितना होगा बेलन का? वो होगा किसके बराबर? एस वन के बराबर, एस टू के बराबर प्लस एस थ्री के योग के बराबर। तो यहां से प्लस बराबर क्या होता है? ई डी ए कोस थीटा। तो मैं मान लेता हूं ई डी ए कोस थीटा। एस वन के लिए थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। प्लस एस टू ई डी ए कोस थीटा, थीटा का मान एस टू प्लस के लिए कितना है? ई व ए के बीच बनने वाला कोण कितना है रे? 90 डिग्री। प्लस एस थ्री, एस थ्री प्रश्न के लिए थीटा का मान कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ई व ए परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित हैं। तो यहां से 0 डिग्री कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये तो क्या आ गया? ई डी आ गया। प्लस ई डी ए कोस 90, कोस 90 का मान कितना होता है? 0। ई डी ए कोस 180, 180 का मान कितना होता है? -1। तो ये क्या गया? -EDA। ये -EDA है, ये +EDA है, दोनों का मान समान है पर विपरीत प्रकृति है, तो कैंसिल हो गया, टोटल कितना आ गया? 0 आ गया। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। क्वेश्चन वाला कह रहा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र E है, उसमें कोई बेलन उपस्थित है, वो बेलन की जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। यदि ये अनुदिश है तो इस बेलन से जो पारित विद्युत फ्लक्स है उसका मान शून्य होगा, यह है प्रदर्शित। ये हमने प्रदर्शित कर दिया कि विद्युत फ्लक्स का मान जो बेलन से पारित होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। एग्जाम्पल नंबर 2.3। तीसरे एग्जाम्पल में है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट एक विद्युत क्षेत्र 5×10⁵ प्रति मीटर क्या दे रहा है? E बराबर, E का मान दे रखा है 5×10⁵ प्रति मीटर, ये विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। तथा इस विद्युत क्षेत्र में एक शीट रखी गई है वर्ताकार, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5
सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की एक वर्ताकार सीट है जो सीट इस विद्युत क्षेत्र में रखी गई है। आगे कह रहा है इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या है ये? मान लिया कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ई है, इसमें कोई वर्ताकार सीट रखी गई है। अब ये जो वर्ताकार सीट है वो सीट इस विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। जो 30 डिग्री कोण दिया हुआ है ना वो किसका दिया हुआ है? वो दिया हुआ है जो ये रखी गई है सीट, इस सीट का तल और इस विद्युत क्षेत्र के बीच का, वो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। हमें जो हम जो फ्लक्स याद करते हैं उस फ्लक्स में जो थीटा काम लेते हैं वो थीटा किसके बीच में होता है? वो होता है जो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होता है, इस क्षेत्रफल सदिश और इसके विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। यदि तल इससे 30 डिग्री कोण बना रहा है, हमने कहा था कि जो dA सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, वो पृष्ठ के हमेशा क्या होता है? लंबवत होता है। तो ये 30 डिग्री कोण बना रहा है तो ये कितना कोण बनाएगा? यहां से जो E सदिश व dA सदिश के बीच का कोण कितना होगा रे? बीच का कोण यदि 90 डिग्री बनाता है तो इनके बीच का कोण थीटा कितना होगा? 90 माइनस 30, जिसका मान कितना आएगा? 60 डिग्री। हमारे पास थीटा का मान कितना आया? 60 डिग्री। तो यहां से फाई बराबर क्या होता है? EDA cos थीटा। E का मान दे रखा है 5 × 10⁻¹ ये क्या है? क्षेत्रफल है। हमें क्या दे रखी है? वर्ताकार दे रखी है। तो वर्ताकार सीट का क्षेत्रफल क्या होगा है? पाई आर स्क्वायर, आर का मान 5 × 10⁻²² इसका स्क्वायर इंटू कोस 60। यहां से कोस 60, कोस 60 का मान कितना होगा है? 5 × 10⁻¹³ × 3.14 × 5 × 10⁻²× 5 × 10⁻², इनटू कोस 60 का मान 1/2। तो यहां से विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे तो कितना मान आएगा रे? 1.96 × 10³ वोल्ट। ये किसका मान आया? विद्युत फ्लक्स का। हमें क्वेश्चन में जो थीटा का मान दिया हुआ था, जो कोण दिया हुआ था, वो कोण किसके बीच दिया हुआ था? हमें जो 30 डिग्री दिया हुआ था वो 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो 30 डिग्री है वो इस सीट तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का है, न कि इसके क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का है। हमें जो 30 डिग्री दिया हुआ था वो 30 डिग्री यहाँ थीटा का मान नहीं रखना, यहाँ जो मान रखेंगे वो कितना? 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ थीटा का मान रखते हैं वो थीटा का मान किसका रखते हैं? वो किसके बीच होता है? वो ई व ए के बीच का कोण होता है। तो यहाँ से फ्लक्स का मान कितना आ गया है? 1.96 × 10³³ या कह सकते हो कि किसके बराबर है? 2 के बराबर है, 2 × 10³ वोल्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4 है कि एक कैपिटल आर त्रिज्या की एक क्या है? वलय है। इस वलय की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। इस वलय की जो अक्षसिस है उस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसका सूत्र उत्पन्न करना है। ये
आपके क्वेश्चन भी आ सकता है क्या कि एक आर त्रिज्या की पतली वले है जिस पर क्यों आवेश एक समान रूप से क्या है वितरित है। वले की अक्ष पर केंद्र से आ दूरी पर, ये मैं मान लेता हूं कि एक वले है जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है। इस वले की अक्ष पर ये वले, ये जो वले है वो इस प्रकार में होकर किस प्रकार व्यवस्थित है, माना ये कोई एक वले है, ये वले किसी नहीं है, ये वले कैसी है इस प्रकार व्यवस्थित है। तो वले की अक्ष क्या होगी, ये होगी इस वले की अक्ष पर अक्ष दूरी, केंद्र से अक्ष दूरी है, कोई बिंदु क्या है पी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो अक्ष है वो इसकी त्रिज्या से बहुत बड़ा है, इस पर आवेश का मान क्यों आवेश दे रखा है, क्यों आवेश एक समान रूप से विकृत बता रहा है, विकृत बता रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां दो अल्पांश मानेंगे, आवेश कितना उपस्थित है दोनों अल्पांशों पर, DQ। ये वले कैसी है, पतली है, वले कैसी है पतली है। मैं इसकी लंबाई क्या मान लेता हूं, इस अल्पांश की डीआर मान लेता हूं, इसकी भी क्या मान लेता हूं डीएल मान लेता हूं, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू डीएल, ये तो क्या हो जाएगा डी क्यू, जबकि टोटल आवेश क्यू बराबर क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल। एल ये क्या है, वले है, तो वले की जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी, इसकी वर्ग की परिधि के बराबर होगी 2πr। ये क्या है, क्यू है। हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इसके लिए हमने दो अल्पांश माने डीएल, माना यहाँ पर डी क्यू आवेश उपस्थित है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, रे इधर होगा, इसके कारण इधर होगा। E1 मान लिया, E2 मान लिया, ये यहां से माना कोण थीटा बना रहे हैं, तो यहां से भी बनने वाला कोण थीटा होगा, ये वाला कोण भी थीटा होगा, अरे थीटा के साथ इसका घटक क्या होगा कोस थीटा, E2 कोस थीटा, इस E2 कोस थीटा के जस्ट लंबवत क्या होगा रे E2 साइन थीटा, इसके साथ थीटा कोण बना लिए, थीटा के साथ घटक क्या होगा कोस थीटा, E1 कोस थीटा, इसके जस्ट लंबवत क्या होगा रे साइन थीटा, E1 साइन थीटा है, E2 साइन थीटा। अब क्या करें, अब हम देखते हैं कि इस E1 का मान E2 के मान के बराबर है या नहीं है। E1 का मान E2 के मान के बराबर है या नहीं, तो यहां से देखते हैं E1 बराबर क्या होगा, E1 ये क्या है, माना हुआ बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर, यहां से मैं दूरी क्या मान लेता हूं R, ये दूरी क्या है मान ली है, R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है KQ/R2, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं K×DQ/R, R का मान कितना है R2, ये किसका माना गया, किसका आ गया E1 का। इसी प्रकार E2 का याद करेंगे, E2 का कितना आएगा K×DQ/R, दोनों का मान क्या है समान है,
दोनों का मान समान है, इवन ई टू के बराबर है, तो इवन साइन थीटा भी ई टू साइन थीटा के बराबर होगा। परिमाण समान है, दिशा में परस्पर विपरीत है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? निरस्त। तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसकी दिशा किधर होगी? इधर। ये हुई इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब हम क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा है? हम ये बिंदु आवेश मान रहे हैं, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से जो E है इस बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो E है वो किसके बराबर होगी? समाकलन DE cos थीटा के बराबर। इस DE की जगह क्या लिखेंगे हम? इस DE की जगह लिखेंगे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। यहां से कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा लाल बटा काका से क्या होता है? आधार बटा करण। तो यहां से आधार क्या है? अक्ष। करण क्या है? कोस थीटा बराबर अक्ष बटा। यहां से इस कोस थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम? अक्ष बटा आर लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? के अक्ष अपॉन आर क्यू डी। यहां पर जो अक्ष है वो क्वेश्चन में दे रखा है नियतांक आर भी नियतांक है, के भी नियतांक है, परिवर्ती कौन सा है? डी क्यों है। डी क्यों का मान कितना है? लेमडा इंटू डीएल है। डी क्यू का मान क्या है? लेमडा इंटू डीएल है। यहां से ये लेमडा भी क्या है? अचर है। तो इंटू लेमडा अपॉन आर क्यूब डी एल। ये डीएल लंबाई अल्पांश है, लंबाई का अल्पांश क्या है? हम इसका समाकलन कर रहे हैं, मतलब पूरी लंबाई ले रहे हैं। तो इस वले की पूरी लंबाई कितनी होगी रे? इसकी परिधि के बराबर होगी। तो यहां से के अक्ष लेमडा अपॉन आर क्यूब इंटू क्या होगा रे? लंबाई कितनी होगी? टू पाई कैपिटल आर। ये किस, ये क्या है? ई है। लेकिन हमें क्वेश्चन में आर भी नहीं दिया हुआ, आंसर उन्हीं भौतिक राशियों में जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखी हो। क्वेश्चन में अक्ष दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, लेकिन स्मॉल आर नहीं दिया। अब यहां से हमने स्मॉल आर माना था, तो इस स्मॉल आर की जगह क्या होगा? इस स्मॉल आर करण है, कैपिटल आर इसका लंब है, अक्ष क्या है? इसका आधार है। तो यहां से स्मॉल आर बराबर क्या होगा रे? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज बन गया। आर इसका करण है, कैपिटल आर इसका लंब है, अक्ष इसका क्या है? आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय से करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो करण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा? रूट अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? के अक्ष लेमडा इंटू टू पाई आर अपॉन क्या आएगा? आर की जगह क्या आएगा? अक्ष स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर एक बटा दो पावर इसकी है, एक बटा दो पावर को तीन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी? तीन बटा दो। हमें यहां से जो टू पाई आर इन टू पाई आर इंटू लेमडा है, टू पाई आर इंटू लेमडा है, वो किसके बराबर है?
क्यों के बराबर है, तो मैं इसे 2 पाई आर इंटू लेमडा की जगह क्या लिख सकता हूं रे, ई बराबर के एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। मैंने इस 2 पाई आर इंटू लेमडा की जगह क्या लिख दिया, क्यू। ये किसका बना गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया। यहां से अब आगे क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है कि अक्ष का मान आर से बहुत बड़ा है। अक्ष का मान क्या है, आर से बहुत बड़ा है, मतलब तुम इस आर को अक्ष की तुलना में क्या मान सकते हो, नगर। अरे अक्ष आर से यदि अक्ष बड़ा है तो अक्ष स्क्वायर तो आर से बड़ा ही होगा ना, ये आर स्क्वायर तो अक्ष स्क्वायर की तुलना में बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है अक्ष बहुत बड़ा है कैपिटल आर से, तो हम क्या करेंगे इस आर स्क्वायर को हटा देंगे, तो यहां से ई बराबर क्या जाएगा, के क्यू अक्ष अपॉन अक्ष की पावर 3। भाई ये आर स्क्वायर हट गया तो क्या बचा, अक्ष स्क्वायर की पावर 3/2। घातें आपस में क्या होती है, गुणा होती है, तो ये क्या 2 से 2 कट गया, तो अक्ष की पावर क्या गया, 3 आ गया। तो यहां से फिर क्या आएगा रे, ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर। ये किसका माना गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का माना गया। क्वेश्चन में दिया हुआ था आर त्रिज्या की कोई पतली वलय है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, इसकी अक्ष पर इसके केंद्र से अक्ष दूरी पर कोई बिंदु पी है, उस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहां से हमने 2 अल्पांश माने दिए, इस दिए अल्पांश के कारण बिंदु पी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, इसे मान लिया E1, इसे मान लिया E2। अब हमने जो इनके बीच की दूरी है वो क्या मान ली, स्मॉल r है, बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, KQ अपॉन r स्क्वायर होगा। तो यहां से E1 के R², क्योंकि जो अल्पांश माना उस अल्पांश पर जो उपस्थित आवेश है वो कितना है, DQ है। अरे हम जो रेखीय आवेश घनत्व पढ़ते हैं वो क्या होता है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, तो क्यों बराबर लेमडा इंटू एल हो गया, तो क्यों बराबर लेमडा इंटू एल। एल क्या है, लेकिन यहाँ पर इस वर्त की जो वले है, वर्त टाइप की, इस वले की क्या है, परिधि है, तो वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई। और तो हमने लंबाई की जगह क्या लिख दिया, 2 पाई। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एक समान रूप से आवेशित एक वले एवं एक गोले, दोनों की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। एक तो क्या है, वले जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, आवेश क्या है, क्यू है। दूसरा क्या है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, इस पर उपस्थित आवेश का मान भी कितना है, क्यू है। आगे कह रहा है गोले के केंद्र, जो गोले का केंद्र है वो इस वले की अक्ष पर उपस्थित है, वले के केंद्र से
आर रूट तीन दूरी पर, आर रूट तीन दूरी पर है। गोलीय नियम वाले के विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, ये एक वलय है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। इस वलय की अक्ष पर इससे आर रूट तीन दूरी पर, आर रूट तीन दूरी पर एक क्या उपस्थित है, गोला उपस्थित है। ये दूरी कितनी है, आर रूट तीन। यहां पर क्या उपस्थित है, एक गोला उपस्थित है। इस गोले पर बल का, तो यहां से हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, Q E होता है। क्वेश्चन में Q का मान दे रखा है, E का मान नहीं दे रखा, लेकिन इसने E का मान ज्ञात करने के लिए ये दूरी तथा इसकी त्रिज्या दे रखी। तो हमने अभी वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो देखा था, वो क्या था, वो था E बराबर K Q अक्ष अपॉन आर स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर की पावर है तीन बटा दो, जहां अक्ष क्या था, अक्ष था इसके केंद्र से उस बिंदु की दूरी, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में अक्ष का मान कितना दे रखा है, आर रूट तीन। तो इस अक्ष की जगह क्या लिख देंगे, रे आर रूट तीन, अक्ष स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, आर रूट तीन का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर तीन बटा दो। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से ई बराबर आ जाएगा के क्यू आर रूट तीन अपॉन आर स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, आर की पावर दो, रूट तीन का स्क्वायर क्या हो रहा है तीन, तो ये तो क्या हो गया तीन आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है तीन बटा दो। तीन बटा दो का मतलब है एक पावर पूरी, एक पावर अध। तो यहां से ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा के क्यू आर रूट तीन बटा तीन आर स्क्वायर प्लस एक आर स्क्वायर कितना हुआ चार आर स्क्वायर, चार आर स्क्वायर की पावर एक तो पूरी हो गई और दूसरी चार आर स्क्वायर की पावर क्या होगी आधी, आधी का मतलब इसका ये कितना आ जाएगा e बराबर के क्यू आर रूट तीन अपॉन चार आर स्क्वायर इंटू इसका कितना होगा दो आर। तो यहां से e बराबर क्या कहेगा रे, एक आर से तो आर चला जाए, ये कहेगा के क्यू रूट तीन अपॉन आठ आर स्क्वायर। यह किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र का मान के क्यू रूट तीन अपॉन आठ आर स्क्वायर। यह इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर क्यू ई। क्वेश्चन में क्यू दे रखा है कि आवेश क्या है, क्यों है, हमें ज्ञात क्या करना है, बल करना है। तो बल बराबर आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने ज्ञात कर लिया के क्यू रूट तीन अपॉन आठ आर स्क्वायर। तो बल क्या होगा, बल एफ बराबर क्या होता है क्यू ई। तो एफ बराबर क्यू इंटू के क्यू रूट तीन अपॉन आठ आर स्क्वायर। तो यहां से बल एफ बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर रूट तीन अपॉन आठ आर। ये किसका मान आ गया, बल का मान। हमने दे रखा था एक वलय है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, एक गोला है उसकी त्रिज्या भी क्या है कैपिटल आर है, दोनों पर आवेश क्या है स्मॉल क्यू आवेश है। ये जो गोला है वो इस वलय की अक्ष एक्सिस पर उपस्थित है तथा इसे आर रूट तीन दूरी पर उपस्थित है। तो इस पर बल का मान ज्ञात करना है। हमें पता है बल बराबर क्या होता है क्यू ई, एफ बराबर क्या होता है क्यू ई। क्यू का मान क्वेश्चन में दे रखा है, ई का मान क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन इस क्वेश्चन में ई का मान ज्ञात करने के लिए क्यू आर तथा आर रूट तीन
देता है। यहां से हमने e का मान ज्ञात कर लिया, e बराबर के क्यू रूट तीन अपोन आठ आर स्क्वायर, यहां से बल आ गया के क्यू स्क्वायर रूट तीन अपोन आठ आर स्क्वायर। ये था एग्जाम्पल नंबर पांच, इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, बल। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर छह, वो है 0.03 मीटर है, 0.03 मीटर त्रिज्या की, आर का मान देखा है 0.03 मीटर, त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर जो आवेश उपस्थित है वो है 7.6 माइक्रो कूलम आवेश। गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब किसका मान पूछ रहे हैं, फ्लक्स का मान पूछ रहा है, आगे और भी पूछ रहा है, आगे कह रहा है यदि पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इस फ्लक्स के मान में क्या बदलाव आएगा। त्रिज्या प्रारंभ में इतनी है, आगे की इसकी कंडीशन है कि इस त्रिज्या को क्या कर रहा है, दुगुनी कर रहा है, ये त्रिज्या जब दुगुनी होगी तो फ्लक्स का मान कितना होगा ये भी हमें याद करना है। हम जानते हैं कोई बंद पृष्ठ होता है उस पृष्ठ में फ्लक्स का मान कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर क्या जाएगा, क्यू का मान 7.6 × 10⁻⁶ कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻¹২। तो यहां से जो फ्लक्स का मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 8.6 × 10⁵। तो फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ये किसका मान है भैया, फ्लक्स का मान, गाउसियन नियम है उससे फ्लक्स है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, तो ये आवेश का मान दे रखा है, ये ε0 का मान होता है, तो फ्लक्स का मान कितना आ गया 8.6 × 10⁵। अब ये तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, अब ये इसके अगले पार्ट में पूछ रहा है कि यदि इसकी त्रिज्या को मैं दुगुनी कर दूं तो इसके फ्लक्स में कितना बदलाव आएगा। हमने जब गाउस का नियम लिखा था तो वहां लिखा था कि गाउसियन नियम में जो फ्लक्स का मान आता है वो उस पृष्ठ की त्रिज्या तथा आकृति पर निर्भर नहीं करता, तो यदि त्रिज्या बढ़ाओगे तो भी जो नया फ्लक्स आएगा वो भी पहले वाले फ्लक्स के बराबर ही आएगा, फ्लक्स के मान में त्रिज्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा, फ्लक्स में हुआ परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। ये हुआ छठवां आइटम। इसी प्रकार जो सातवां न्यूमेरिकल है वो है कि चित्रानुसार एक बिंदु आवेश क्यू नोट एक अर्धगोलीय के अर्धगोलीय केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, हमें दे रखा है एक आवेश क्यू नोट, वो एक अर्धगोला है, उस अर्धगोले के केंद्र पर उपस्थित है, तो इससे जो संबंध है इस पृष्ठ से वो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अरे ये क्या है, एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले के केंद्र पर ये क्यू नोट आवेश, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे ये कह रहा है कि इससे संबंध जो विद्युत फ्लक्स है इस पृष्ठ से उस पृष्ठ का मान, उस विद्युत फ्लक्स का मान, ये कोई इस प्रकार कोई गोला है, अर्धगोला है, इस अर्धगोला का जो यहां जो सेंटर है यहां कोई आवेश उपस्थित है, अब यहां कोई आवेश उपस्थित होगा
तो इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या होगा, खुला होगा। लेकिन जो गाउसियन नियम है वो किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो मैं यहां पर एक अर्धगोले की कल्पना और कर लेता हूं, अर्धगोले की कल्पना की तो ये आवेश वो क्या हो गया, बंद पृष्ठ के अंदर आ गया। यहां से यहां जो फ्लक्स होगा इस बंद पृष्ठ के लिए टोटल के लिए वो कितना होगा, इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे लेकिन ये किसके लिए आया, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आएगा, वो इस पूरे के लिए आएगा, पूरे गोले के लिए आएगा। अर्ध गोले के लिए कितना आएगा, जो पूरा है उसका आधा, अर्ध गोले का कितना आएगा, फाई बटा दो आएगा। फाई बटा दो क्यों आया, क्योंकि हमने जो ये आवेश उपस्थित है उसका जो आधा भाग है वो क्या है, खुला है। इस आधे भाग को ढकने के लिए हमने क्या माना, एक अर्धगोला और मान लिया। तो यहां से जो फ्लक्स आएगा फाई वो इस पूरे गोले के कारण आएगा, हमें आधे गोले के कारण याद करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, टू नोट अपॉन टू एप्सिलॉन। ये किसका माना गया, इसी प्रकार एक है, इसी से आधारित एक क्वेश्चन और आता है, वो एक घन का आता है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ कि ये कोई घन है, इस घन के जो मध्य बिंदु है वहां पर कुनोट आवेश उपस्थित है, तो इसके प्रत्येक फलक से ये मान लिया एक फलक, प्रत्येक फ्लक्स से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। अब यदि फ्लक्स ज्ञात है तो वो कितना होगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर आवेश कितना उपस्थित है, क्यों नॉट उपस्थित है, तो गाउस के नियम से फाई बराबर क्यों नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यदि प्रत्येक फ्लक्स से पूछे तो कितना होगा, एक जो घन होता है उस घन में टोटल फलक कितने होते हैं, छह होते हैं, तो ये जो छह फलक है उस छह फलकों से गुजरने वाले टोटल फलक का मान है, क्यों नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट। यदि एक फलक से पूछेगा तो एक फलक से कितना होगा, इसका छवा भाग, मतलब क्यों नोट अपॉन छह एप्सिलॉन, वो किसका है, अर्ध गोले का है। वो आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इसी से रिलेटेड एक आठवां इसका एग्जाम्पल है, वो इसी पे आधारित है। तो एग्जाम्पल नंबर आठ क्या है, एग्जाम्पल नंबर आठ में दिया हुआ है कि चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर ई नोट अक्ष आई, ये कोई घन ई सदिश क्या दे रखा है, ई नोट अक्ष आई दिशा इधर होगी, इधर होगी, ये एक्सिस माना है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, यहां क्या उपस्थित है, एक ये क्या है, एक घन है, इस घन में दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी, इसकी भुजाएं दे रखी है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है उस प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, ए, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, ए, और इस ए का मान दे रखा है एक सेंटीमीटर। नियतांक ई नोट, ये जो ई नोट है इस ई नोट का मान भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो कितना है, वो है 2.5 गुणा 10 की पावर 5, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 5 आगे है, सॉरी प्लस 5 है, न्यूटन कूलाम इनवर्स न्यूटन है।
गज से पारित कुल विद्युत प्लस एवं घन द्वारा परिपथ आवेश का मान ज्ञात करना, फ्लक्स का मान ज्ञात करना है और किसका मान, आवेश का। ये कोई घन है, ये इस यहां पर जो विद्युत क्षेत्र उपस्थित है वो क्या है, ई नोट अक्ष आई, तो जो ये वाला प्रश्न होगा ये घन इस प्रकार उपस्थित है, तो जो ये वाला प्रश्न होगा उसके और इसके जो क्षेत्रफल सदिश आएगा उसके बीच का कोण कितना होगा, रहे जीरो डिग्री होगा, इसलिए तो कौन सी गावा इसका। अब ये जो ऊपर वाला प्रश्न है, इस ऊपर वाले प्रश्न के लिए ऊपर वाला प्रश्न इस प्रकार है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा लंबवत होती है, इस प्रश्न के लिए दोनों क्या है परस्पर लंबवत है, इस ऊपर वाले प्रश्न के लिए। मैं इसे S1 मान लेता हूं, इसे S2 मान लेता हूं, इसे S3 मान लेता हूं, इसे S4 मान लेता हूं, और जो पीछे वाला है उसे S5 मान लेता हूं, और जो सामने वाला है इधर वाला अपनी साइड वाला उसे S6 मान। तो S1 क्या है, S1 पृष्ठ कैसा है, ऐसा है, तो इस S1 पृष्ठ के लिए E सदिश वह है, A सदिश क्या है परस्पर समांतर है, तो थीटा बराबर क्या आएगा, जीरो डिग्री आएगा। S2 पृष्ठ कौन सा है, ऊपर वाला, ये कौन सा है S2 पृष्ठ, तो S2 पृष्ठ के लिए E सदिश तो किधर है, इधर है, जबकि जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा क्या है, इधर है, तो दोनों परस्पर क्या है लंबवत, तो थीटा का मान कितना आएगा 90। इसी प्रकार S S3 है इसके नीचे वाला प्रश्न, तो नीचे वाले प्रश्न के लिए E सदिश की दिशा किधर है, इधर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा नीचे होगी, दोनों प्रश्न क्या है लंबवत, S3 क्या आएगा थीटा क्या 90। इसी प्रकार में S4, S4 है इस जो घन है उसका पीछे वाला, तो ये इसका पीछे वाला है, तो यहां पर जो क्षेत्रफल आएगा उसकी दिशा इधर की और विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर की, तो S4 के लिए थीटा बराबर कितना आएगा 1 डिग्री आएगा। S5 कौन सा है, ये जो घन है उस घन के उधर वाला पार्ट, तो उधर वाले पार्ट ऐसा है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तथा क्षेत्रफल की दिशा किधर आएगी, उधर आएगी, तो S5 के लिए जो थीटा का मान आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री। इसी प्रकार ये S6 इसका सामने वाला पृष्ठ है, तो सामने वाले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर की ओर, परस्पर क्या है लंबवत। S6 के लिए थीटा बराबर क्या आएगा 90। इस घन के कारण पूछ रहा है, तो घन के कारण क्या होगा, फाई बराबर क्या होगा, फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3 प्लस फाई S4 प्लस फाई S5 प्लस फाई S6 EDA cos थीटा। तो इस यहां कोण 90 है, 90 है, 90 है, 90 है, जहां जहां कोण 90 होगा वहां वहां विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा, शून्य आएगा, आएगा नहीं, भाई ईडीए कोस थीटा होता है, तो थीटा का मान क्या आएगा 90 डिग्री, तो कोस 90, कोस 90 का मान क्या आएगा जीरो डिग्री, कोस जीरो, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो जहां जहां 90 है वहां तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अब एक घन कहां उपस्थित है, यहां उपस्थित, तो S2 जीरो हो गया, S3 भी जीरो, S5 भी जीरो, S सिक्स भी जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, S5 जीरो, S6 जीरो, तो प्लस बराबर क्या आ जाएगा E DA cos थीटा का मान क्या आएगा यहां जीरो, तो cos जीरो का मान एक, तो ये तो क्या हो गया E DA माइनस, यहां क्या आएगा S4, S4 के लिए क्या है 180, cos 180 का मान कितना होता है माइनस एक, ये क्या आ गया माइनस। अब ये जो E है उसका मान कितना है,
ई नोट अब से आई केप है तो यहां से हम रख देंगे ई नोट अब से आई केप इंटू यहां जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा किधर होगी रे ए स्क्वायर आई केप माइनस ई नोट अक्स आई केप इंटू ए स्क्वायर आई केप एस एस में कौन सा प्रश्न है ये वाला प्रश्न यानी कि ये प्रश्न यहां स्थित है तो ये प्रश्न यहां स्थित है घन की प्रत्येक भुजा ए होती है तो इसके लिए जो अक्ष का मान है वो कितना आएगा ए आएगा ए दूरी पर है तो ये तो क्या हो गया ई नोट ए क्यू माइनस ये वाला प्रश्न कौन सा है इसके यहां स्थित है यहां स्थित है तो यहां पर अक्ष का मान कितना है जीरो अक्ष का मान जीरो हुआ तो टोटल क्या हो गया जीरो तो यहां से फ्लक्स का मान क्या आएगा ई नोट ए की पावर है तीन ये किसका मान आ गया फ्लक्स का मान आ गया यहां से ई नोट का मान रख देना और ए नोट ए का मान दे रखा है एक सेंटीमीटर इसी प्रकार अब आगे पूछ रहा है आवेश हमें पता है फाई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट तो क्यू बराबर क्या होगा फाइव इंटू एप्सिलॉन नोट फाइव की जगह क्या लिख देंगे फाइव की जगह ई नोट ए क्यू और एप्सिलॉन नोट ई नोट का मान दे रखा है 2.5 गुणा 10 की पावर 5 ए का मान दे रखा है 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदला 10 की पावर माइनस 2 इसकी पावर 3 इंटू तीन एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ये किसका मान आ गया आवेश घन दे रखा था घन के 6 पार्ट होते हैं हमने 6 पार्टों के लिए अलग अलग विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया जिसमें से 4 पार्टों के लिए तो क्या आया जीरो आया जीरो आने का कारण क्या था क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश है उसके बीच बनने वाला कोण कितना आया 90 डिग्री आने के कारण प्लस क्या हो गया जीरो एक जो एस वन प्रश्न है उसके लिए 0 डिग्री था तथा जो एस फोर है उसके लिए 180 डिग्री था लेकिन एस फोर में 180 होने के बावजूद भी विद्युत प्लस जीरो आया क्योंकि यहां पर जो अक्ष का मान है वो क्या है जीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो गया जीरो ये हुआ 8 अब इसका नोवा क्वेश्चन क्या है नोवा क्वेश्चन है एक अर्ध गोलाकार बिंदु किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है इसके वक्र पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स क्या होगा वक्र पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है कोई अर्धगोला है वो किसमें रखा गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है नोवा क्वेश्चन में एक अर्धगोला एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है ये मान ये है अर्धगोला ये किस में रखा गया है एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है इसका जो ये जो वक्र पृष्ठ है इस वक्र पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात इसके इसमें पहली कंडीशन है यदि विद्युत क्षेत्र इसके आधार के समांतर विद्युत क्षेत्र इसके आधार के समांतर ये मान लिया विद्युत क्षेत्र इसके आधार के समांतर है इस जो प्रश्न है इस प्रश्न में कोई आवेश उपस्थित नहीं है तो आवेश उपस्थित नहीं है यदि आवेश उपस्थित नहीं है तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स कितना होगा और इसका जो ये वृत्ताकार भाग है इस वृत्ताकार भाग का और जो ये वक्राकार भाग है इन दोनों से जो संबंध फ्लक्स होगा उसका मान कितना होगा जीरो होगा जीरो क्यों होगा क्योंकि इसमें आवेश कितना है शून्य है आवेश उपस्थित होने के नहीं होने के कारण इसका जो दोनों का योग है वो किसके कितना होगा जीरो होगा क्योंकि अर्धगोले में आवेश का मान कितना है शून्य है आवेश का मान शून्य है तो गॉस के नियम से फ्लक्स भी क्या होगा शून्य होगा फ्लक्स शून्य होगा तो यहां शून्य रखेंगे तो फाई वक्राकार भाग का प्लस फाई
वृत्ताकार भाग का। तो यहां से जो फाई वक्राकार भाग है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस फाई वृत्ताकार भाग, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में ये विद्युत क्षेत्र इसके जो आधार है उसके समांतर है, आधार की क्या है समांतर है। तो इसका जो वक्राकार भाग है मैं उसका फ्लक्स देख लू, तो ये वक्राकार भाग इसका जो क्षेत्रफल सदिश आएगा उसकी दिशा किधर आएगी, इधर आएगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है। दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो फ्लक्स कितना होगा रे, फाई वर्ताकार कितना होगा, ईडीए कोस 90, कोस 90 हुआ तो फ्लक्स भी क्या हुआ, शून्य। अब ये क्वेश्चन में किसका लिए पूछ रहा था, वक्राकार भाग, यदि वर्ताकार भाग शून्य है तो फाई वक्राकार भी क्या होगा, शून्य होगा। ये किसका माना गया, पहली कंडीशन में जब विद्युत क्षेत्र इसके आधार के समांतर। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में है इसके आधार के लंबवत, अरे आधार के लंबवत होगा तो जो कोण आएगा इसके वर्ताकार भाग के, ये क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसके अंदर नहीं हो, ये किसकी दिशा है, ई सदिश, इसका बैक किसकी दिशा है, ई सदिश। हम इसका जो ये वर्ताकार भाग है, इस वर्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा इधर होगी, इधर होगी। दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो फाई वर्ताकार बराबर क्या होगा रे, ई डी ए कोस 180, इसका मान क्या आएगा रे, माइनस ई डी, माइनस ई डी, ये किसका आया, वर्ताकार भाग का। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है किसका, वक्राकार भाग का। तो फाई वक्राकार बराबर क्या होगा रे, माइनस वर्ताकार था तो माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये किसका माना गया, फाई वक्राकार भाग का, जब लंबवत हो तब वो वाला आएगा और जब समांतर हो पृष्ठ के तो ये वाला आएगा। इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी, कैपिटल आर। तो यहां से क्या आएगा, पी इंटू पाई आर। ये किसका माना गया, फाई वक्र, फाई वक्राकार का मान कितना आ गया, जब लंबवत हो तब तो पी इंटू पाई आर स्क्वायर, और जब ये आधार के समांतर हो तो जीरो। आधार के समांतर हुआ तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश है और जो ई सदिश है इसके बीच बनने वाला कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ तो कोस 90, कोस 90 क्या हुआ, जीरो। और जब ये समांतर हुआ तो क्या हुआ, जीरो। और जब ये लंबवत हुआ, जब इसके लंबवत होगा तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश और जो ई सदिश है इसके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहां से इसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व 2 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर है। एक अनंत रेख की लंबाई का चालक तार है जिसमें रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, रेखीय आवेश घनत्व का मान दे रखा है, इसकी जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 10वां क्वेश्चन है, जो लेमडा का मान है वो दे रखा है, वो है 2 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, और जो आर है उसका मान दे देता है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किसमें बदला,
मीटर में, तो 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर दिया। हम अनंत लंबाई के रेखीय आवेश तार के कारण जानते हैं E बराबर क्या होता है, 2 के लेमडा अपॉन आर। यहां से लेमडा की जगह क्या लिख देंगे, E बराबर 2 इंटू के इंटू लेमडा की जगह 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर की जगह 20 इंटू 10 की पावर माइनस। ये किसका माना जाएगा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का माना जाएगा। इसके जो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।